उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मंगलवार को एक बुजुर्ग व्यक्ति शमीम कुरैशी ने 4 साल की बच्ची को करंट लगने से बचाया। लड़की गलती से खराब तार के संपर्क में आ गई और पानी से भरी सड़क पर औंधे मुंह गिर पड़ी। वीडियो में दिख रहा है कि लड़की लगातार पानी से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रही थी। हालांकि वह जीवित तार के संपर्क में आने के कारण स्थिति से बाहर निकलने में असमर्थ थी। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को देखने के बाद एक ई रिक्शा रुका और यात्री उतरकर बच्चे की मदद के लिए दौड़ पड़े। वीडियो में आगे दिखाया गया है कि अन्य दर्शक भी 4 वर्षीय बच्ची की मदद के लिए आगे आए। इसी बीच एक बुजुर्ग व्यक्ति शमीम कुरैशी ने लकड़ी की छड़ी पकड़ ली और नाबालिग की ओर बढ़ा दी। पहले तो लड़की उस छड़ी को पकड़ने में असमर्थ रही, लेकिन बाद में वह उसे पकड़ने में सफल हो गई। जैसे ही लड़की ने लकड़ी का टुकड़ा पकड़ा, बुजुर्ग व्यक्ति शमीम कुरैशी ने सावधानी से लड़की को अपनी ओर खींच लिया। वह लड़की को पानी से बाहर निकालने में सफल रहे और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की। ये पूरी घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसकी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। आसपास मौजूद लोगों ने शमीम कुरैशी की सराहना की, जिन्होंने नाबालिग लड़की की मदद की और उसकी जान बचाई। घर से निकले थे करीब 8 बजे, बारिश धीमी हो गई तो हम घर से निकले और पिचामोचन के तरफ जा रहे थे, तो हमने देखा कि भीड़ काफी है और कोई तो लड़की छटपटा रही है, समझ में। और लड़की छटपटा रही है और जो है तो टोटो टो खड़ा हुआ है और सवारी भी है और लोग तमाशा देख रहे हैं। एक हमने चिल्लाया तो एक लड़का आया मथिन नाम का, उसको मारा करण, वो जो है तो पीछे हट गया, कहे बाप रे करके भागा वो पीछे। दूसरा एक बुड्ढा आया, वो भाग गया। हमने कहा यार तुम लोग भाग रहे हो, लड़की मर जाएगी। फौरन हमने एक के डंडा लेके कूद गए और कूद कर लड़की को डांटा हमने, और डांट कम का पहले लकड़ी पकड़ो, पहले लकड़ी पकड़ो। जब उसने लकड़ी पकड़ा तो फिर छोड़ दिया, फिर छटपट आने लगी, फिर हम कहा लकड़ी पकड़ो। लकड़ी जब पकड़ा तो धीरे 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 हमने खींच लिया, और खींचा तो फौरन उसको लेकर के अस्पताल लोग चले गए और हमको लोग अपना बधाई देने लगे, कहते आप भाई साहब बहुत बढ़िया किए, इतने लोग खड़े थे, किसी की हिम्मत नहीं, किसी का वो नहीं, तुमको डर नहीं था। हमको डर क्या है, जब हमारी मौत होगी तो उसके बहाने हम भी चले आएंगे।